थाना एएसआई अशोक प्रधान मृत्यु को लेकिन सस्पेन्स नंदनकानन पदासाई घर अशोक मृतदेह उद्धार हो झुलंता अवस्था मृत्युर कारण जमापड़ना क्यों कारण रही आ पचर कौन रही पारिवारिक अशांति रही देखिए कि कार्य चापभार रही आउ किसी कारण रही जदिव परवर्त समय स्पष्ट हो बर्तमान समय छानबीन आरंभ हो गत से अफिस् सारी घर को जाते यार भितर एएसआई झुलंता मृतदेह उद्धार हो बारंग थानार एएसआई होती अशोक प्रधान मृत्यु को लेकिन सस्पेन्स बढ़ुच्छी तो कौन रही थी पार कारण तदंत को जोरदार कर नंदनकानन पदासाही घर अशोक झुलंता मृतदेह उद्धार हो गत से राति दसटे कार्यू अफिस देखा कि थाना घर को जाते आज सका झुलंता मृतदेह उद्धार कर मृत्युर कारण को लेकिन अनेक कथा आसूची तो पारिवारिक अशांति होपे ना कार्य देखा कि कौन से देखा कि प्रेसर थे अशोक ताकु नहीं कितने अनेक प्रश्न आठुसी बर्तन पुलिस पहुंची तदंत जारी रखी बारंग थाना एएसआई मृत्यु को लेकिन बर्तमान समय सस्पेन्स हो घर नंदनकानन पदासाही घर अशोक झुलंता मृतदेह उद्धार हो तो कहीं देखा कि पदक्षेप ने पचर कौन हूं कारण थपे ताकि बर्तमान पुलिस छानबीन जोरदार रही प्रधान होची मो बैच रो 1995 से अक्टोबर 25 तारीख रे 24 तारीख रे आमे समस्ते चाकरी करथिलु आउ आर्थिक मानसिक आ शारीरिक स्तर रे सी एते सशक्त आमे सी होची आमर इंस्पिरेशन किंतु आज एभलिया जो जिंस होई जाई मते सुनिली छोटा बेले कौन से प्रकार एटा ग्रहण करि होनु आमे जति कि दिन मिसिचो अबे एकाडे रोइचो सेमती फॅमिलीर प्रॉब्लम तार कोनोसी दिगर रे तार आर्थिक हो मानसिक कोनोसी दिगर तार माने किछि लूजर नथिला भल सुचल थिला सबुथिरे सुचल थिला आउ से भारी डायरिंगनेस साहसी आ फैमिली तो किसी सेम रिस्पन्स नाला कारण तार गोटे पु गोटे झील तो तार एमएस कर पु तार मैंने कम्पिटेटिव दूँ वर्कलोड से आम कही पार कारण मो भुवनेश्वर रोचे से बारंग थाना रोचे मुझे रिजर्व रोचे से बारंग रोचे से मुझे जानी कितु आम ए गोटे बैच फिस्ट होता 27 तारीख दिन आम सेम कि कौन ना जम वर्कलोड पड़ू बोली आम जो बैचमेंट फिस्ट हुए प्रति वर्ष ए वर्ष भी 27 तारीख होता से आम मिसलु सेम कि कहून वर्कलोड विषय ए संपर्क अधिक सूचना पाई दुबेन्दु मिश्रम प्रतिनिधि फोन लाइन अच्छा दुबेन्दु मृत्युर कारण किसी स्पष्ट है कि कहीं मृत्यु को लेकिन एवं भी सस्पेन्स देखो स्वागतिक आम जमी कही मृत्युर कारण जहाँ प्राथमिक अनुसंधान पुलिस सूत्र खबर मिली पारिवारिक अशांति को लेकिन एभली एक चरम निष्पत्ति नहीं अशोक जो थे झुलंता अवस्था मृतदेह घर मिलता गत काली राति काम सारी अशोक निजे घर को फेरी ड्यूटी सारी 10:30 बेले घर को फेरी तेणु राति कौन परिस्थिति है जो कि अशोक आत्महत्या भाई एक निष्पत्ति ने सबु दिग को पुलिस तदंत करा कर्म क्षेत्र में किसी चाप था कि तेणु विभिन्न दिग को लेकिन पुलिस वर्तमान तदंत आरंभ कर तदंत जी आगौ थी अनुसार स्पष्ट हे से अशोकों प्रकृत मृत्युर कारण कौन और यहाँ पचर कौन कारण रही किंतु वर्तमान मंगलबाग थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु कराई और मृतदेह को पोस्टमार्टम पर पठा जाए जहां परिवार लोकों सहित आम चेषा करूँ जोगाजोग करूँ प्रतिक्रिया नापाई प्रतिक्रिया हस्तगत होनी किंतु जो सांगसाथी मैंने अच्छा जो बैचमेट मैंने अच्छा सेने समस्ते एसीबी बस पहुंचे से प्रतिक्रिया दूसरे जे अशोक आर्थिक व मानसिक स्थिति अति सुदृढ़ था से भाव में कौन सी असुविधा नाला एवं से अति मेलापी थे किंतु कौन पर एक निष्पत्ति ने कौ परिस्थिति आसला जो कि आत्महत्या भाई एक निष्पत्ति नहीं बर्तमान से आचंबित हो समस्ते बर्तमान म्रियमाण होती देहांत खबर पाइला समस्त बर्तमान एसीबी मेडिकल परिसर में आसिक पहुंचे बंधु बांधव कौन एमती है कहीं अशोक ये गोटे चरम निष्पत्ति ने आर्थिक दृष्टि से बे सुदृढ़ थे देखा कि सब कार्य क्षेत्र में भल था तो कहीं गोटे निष्पत्ति ने प्रश्न उठू पारिवारिक अशांति कथा कहुच्छे जदि पारिवारिक अशांति था तेज कौन से पारिवारिक अशांति कहीं देखा कि पदक्षेप ने कि प्रश्न उठू दिवेन्दु यार भितर पर लोकों किसी प्रतिक्रिया चेष्टा करी कि परिवार कि संपर्क आमे प्रतिक्रिया नवाई चेष्टा करूँ जेहेतु वर्तमान गोटे सुखाकूल परिवेश रही समस्ते
ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କୋଉ ଚରମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ବା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି କି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ, ଇଏ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବ ଇଏ ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଅଶୋକଙ୍କର କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବା କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି କି? ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆଉ କିଛି ତା ଭିତରେ ଘଟଣା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି କ'ଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ଡିସିପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ ଏସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବେନ୍ଦୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଫିସରୁ କାମ ସାରି ଥାନାରୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଘରେ କିଛି ହୋଇଥାଏ ପାରେ କି ରାତିରେ ଦେଖିବା କି ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛୁ ଯେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କାହା ସହିତ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଯଦିଓ ବଡ଼ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହା ସହିତ ମନମାଳିନ ଥିଲା, କୋଉଠି ପରିବାରର ଆଉ କାହା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ଥିଲା କି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଯେତେ ଆଗଉଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ସ୍ୱାଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଛାନଭିନ୍ କୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।